अग्रणी बीएलसी कंपनी द्वारा गुरुवार को एक सेमिनार का आयोजन किया गया। बीएलसी के सामने स्थित सोनी ब्यूटी केयर पर आयोजित इस सेमिनार में बीएलसी के वेलनेस का एक्सपर्ट अमिताभ वलिया, अमिताभ एक्सपर्ट गौरी श्रीवास्तव और हस्ता खंडलवाल मौजूद रही। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में मोदी मिशन महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष पूजा शर्मा उपस्थित रही, जिनका सोनी ब्यूटी केयर के संचालिका गीता खंडलवाल द्वारा दुपट्टा पहना कर उनके वेट कर उसका स्वागत भी किया गया। इस दौरान बीएलसी के एक्सपर्ट अवितावलिया द्वारा सेमिनार में मौजूद महिलाओं को कॉस्मेटिक सौंदर्य प्रसाधन की अपेक्षा आयुर्वेदिक सौंदर्य प्रसाधन के प्रयोग से त्वचा संबंधी मिलने वाले फायदे के बारे में विस्तार से जानकारियां दी गई। वहीं बीएलसी एक्सपर्ट गौरी श्रीवास्तव ने महिलाओं को बताया कि आयुर्वेदिक सौंदर्य प्रसाधन केवल महिलाओं की सुंदरता ही नहीं बल्कि उनकी त्वचा को भी निखारता है। इसके दौरान बातचीत में बीएलसी के पदाधिकारियों ने आयुर्वेदिक प्रोडक्ट से होने वाले लाभ भी बताए। आज किस कार्यक्रम का आपके ब्यूटी पार्लर में आयोजित हुआ? देखिए, मेरा ब्यूटी पार्लर का नाम सोनी ब्यूटी केयर है, मेरा एज अ सलोन है, ठीक है। यहाँ पे जो कार्यक्रम किया गया है वो वीएलसीसी वेलनेस का किया गया है। वीएलसीसी एक बहुत अच्छी ब्रांड है, नामी हस्ती है वीएलसीसी, सभी जानते हैं वीएलसीसी के बारे में। इसमें वेलनेस के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में डिटेल्स दी गई हैं। लेडीज़ को बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं स्किन की, तो बेसिकली हमने जितना भी इसमें काम किया है जो स्किन से रिलेटेड किया है, लाइक हमारे स्किन पे ऑयली की प्रॉब्लम है, एक्नेस की प्रॉब्लम है, डिहाइड्रेशन है, तो उसके बारे में हम लोगों ने अवेयरनेस दी है क्लाइंट्स को, एज वेल एज हमारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है यहाँ पे, उनको इस चीज़ की नॉलेज दी गई है। जिस तरीके से यहाँ पे जो लैपटॉप में जो आयुर्वेदिक सामान थे वो दिखाए जा रहे थे, उनसे क्या महिलाएं जो इफेक्ट जो आप बता रहे हैं उससे कितना पड़ेगा? देखिए, ब्यूटी किसको नहीं पसंद, लेडीज़ को सबसे ज़्यादा ब्यूटी पसंद है, और जो प्रोडक्ट्स के बारे में डिटेल्स दी गई हैं वो ब्यूटी से ही रिलेटेड हैं। जितने भी प्रोडक्ट्स के बारे में डिटेल्स दी गई हैं वो आपका कोई फेस वॉश है, कोई डे क्रीम है, कोई नाइट क्रीम है, आप डे क्रीम नाइट क्रीम तो रेगुलर यूज़ करते हैं, वो चीज़ यूज़ करिए जो आपकी स्किन को नीड है। आज जितनी भी डिटेल्स आपको दी गई हैं वो आपकी स्किन के अकॉर्डिंग नीड जो हैं उसी के बारे में डिटेल्स दी गई हैं, तो होपफुली आप वही यूज़ करें। कितनी महिलाओं ने यहाँ पे बढ़ चढ़ के भाग लिया? महिलाएं लेडीज़ आई थिंक 70-80 गैदरिंग रही है यहाँ पे, 70-80 गैदरिंग्स रही है लेडीज़ की। क्या रिस्पांस आपको देखने को मिला आज पहली बार आपके द्वारा ये सेमिनार आयोजन किया गया था, क्या रिस्पांस निकल? देखिए, रिस्पांस काफ़ी अच्छा है, लोगों ने बहुत कुछ सीखा है, लेडीज़ ने बहुत सारी अवेयरनेस दी है, सर जो आए थे उन्होंने भी काफ़ी अच्छी एजुकेशन हमें प्रोवाइड कराई है कि हमें क्या यूज़ करना चाहिए। बेसिकली हमारी स्किन के लिए जो नीड रहता है वो CTMP रहता है, यानी कि क्लिंजर टोनर मॉइस्चराइजर एंड प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन किससे करना होता है? हमें धूप से प्रोटेक्शन रहता है। लेडीज़ को प्रॉब्लम किसकी होती है? सबसे ज़्यादा धूप की प्रॉब्लम होती है लेडीज़ को। क्या मानते हैं आने वाले समय में ये जो कंपनी है तरक्की की ओर जाएगी? देखिए, वीएलसीसी ऑलरेडी एक इंटरनेशनल ब्रांड है, ठीक है, तो ये तो तरक्की तो करेगा ही करेगा, इसकी ग्रोनेस तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, क्योंकि वीएलसीसी जो है अपने आप में काफ़ी अच्छा नामी हस्ती ब्रांड है, काफ़ी अच्छा। जैसे कि वालिया जी ने बताया कि हम कैसे खूबसूरत रह सकते हैं, कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, इन्होंने अपना कीमती समय हमको दिया और ये प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस आयोजन में जितनी भी महिलाएं आई थी उन सब का पूरा पूरा सहयोग हमें मिला, मेरी तरफ से तहे दिल से उन सबको धन्यवाद। आज के इस सेशन को मैं अगर दो पंक्तियों में डिस्क्राइब करूं तो वो ये है कि ना किसी रहबर रहनुमा से निकलेगा हमारे पांव का कांटा, हम ही से निकलेगा। कहता है किसी गली में बूढ़ा फकीर, यहाँ काम कर खजाना यहीं से निकलेगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।
आज बड़ा खुशी है कि मेरा नाम अमिताभ वाली है और मैं VLCC वेल्थ साइंस में वेलनेस एक्सपर्ट हूँ और मैं पिछले करीब 20 वर्षों से आयुर्वेद के ऊपर काम कर रहा हूँ और हम लोग हमारा जो मिशन है टू स्प्रेड हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस, लोगों के जीवन में अच्छी हेल्थ हो, वेल्थ हो और खुशियाँ हो, यही VLCC की कामना है। और यहाँ पर हमने आज बहुत ही अच्छा एक सेमिनार किया जहाँ पर हमने आयुर्वेद के द्वारा कैसे हम स्वस्थ रह सकते हैं और किस तरह से हम लोग स्वस्थ रह सकते हैं और खूबसूरत रह सकते हैं, क्योंकि आयुर्वेद की मूल भावना यही है कि स्वस्थ शरीर ही सुंदर शरीर है। सो भारत का जो प्राचीन ज्ञान है आयुर्वेद, उसको मॉडर्न विज्ञान के साथ जोड़ के कैसे हम स्वस्थ रह सकते हैं, सुंदर रह सकते हैं। तो आज बहुत ही अच्छी जो ऑडियंस हमारे साथ मथुरा में आई और इनको बड़ी खुशी हुई इनसे इंटरेक्शन करके, और हमारी यही कामना है कि आगे भी हम आए और लोगों को हमारा जो प्राचीन ज्ञान है आयुर्वेद का वो लोग जन जन तक हम पहुँचाएँ, यही हमारी मूल कामना है। थैंक यू।